नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में यूपीएससी मंत्रा में। हमने इकोनॉमिक्स की पीटी 365 सीरीज शुरू की थी अच्छे दो दिन पहले, और कल और परसों कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जिससे मैं भी गुजर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आज से लगातार प्रतिदिन आपको रेगुलरली वीडियोज़ मिलती रहें, और अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ पसंद करते हैं तो हम कोशिश करेंगे दिन में दो वीडियोस रिलीज़ करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सालाना पूरा समसामयिकी करेंट अफेयर पूरे वर्ष का कवर हो सके एग्ज़ाम से पहले। इकोनॉमिक्स की जो हमने इन्फॉर्मेशन लास्ट सेशन में कवर की थी, उसी से संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ आज के इस सत्र को शुरू करते हैं। भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका अनुमान एस्टिमेट लगाया गया है, और 2023-24 के अप्रैल जून अवधि के दौरान भारत की जो रियल जीडीपी है, जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, वो 7.8% अनुमानित की गई है। अब रियल और नॉमिनल जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? एक डिपार्टमेंट है MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स वाला, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI, ये इसका आकलन करता है। अब किस तरीके से आकलन करता है, क्या तरीका होता है इसका आकलन करने का? तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये स्थिर कीमतों और चालू कीमतों के आधार पर प्रत्येक 3 माह हर तिमाही में सकल मूल्यवर्धन या ग्रॉस वैल्यू एडिशन की गणना करता है। रियल जीडीपी गणना के लिए जो स्थिर कीमतें हैं जिसका आधार वर्ष बेस ईयर 2011-12 है, उसमें और नॉमिनल जीडीपी की गणना के लिए चालू कीमतों का प्रयोग किया जाता है। इतना ध्यान रहे आपको, आधार वर्ष क्या होता है, इसे बेस ईयर कहते हैं। बेस ईयर को डिसाइड या इसको बेस ईयर को फाइनलाइज करने के कुछ तरीके होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पुराना भी कोई वर्ष नहीं होना चाहिए, ये हाल का ही कोई वर्ष नहीं होना चाहिए, और ये ऐसा वर्ष होना चाहिए जब इकोनॉमिक सरप्राइजेस न रहे हों, है ना। तो हमारा जो 2011-12 वर्ष है वो बेस ईयर या आधार वर्ष माना गया है। अब जीडीपी की जो अप स्फीतिकरण है या जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, वो क्या है? ये अनुपात है रियल जीडीपी का और नॉमिनल जीडीपी का, यानी रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी, या फिर रियल जीडीपी रेशियो नॉमिनल जीडीपी। तो ये अनुपात है वास्तविक जीडीपी का और नॉमिनल जीडीपी का, ये एक अनुपात है जिसको हम डिफ्लेटर बोलते हैं। ये अनुपात हमें ये बताता है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के चलते जीडीपी में किस सीमा तक वृद्धि हुई है। तात्पर्य इसका क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है, एक बार मैं आपको लिख के समझा देता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। इसमें क्या है, जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उत्पादन, उस प्रोडक्शन यानी उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि वृद्धि किस में हुई है, कीमतों में, प्राइसेस में। जो प्रोडक्ट है उसकी कीमतें बढ़ी हैं, वो प्रोडक्ट खुद नहीं बढ़ा है। अगर ऐसी चीज़ें आएँ देखने में तो ये जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से हमें पता लग जाता है। ये जो अनुपात रहेगा रियल और नॉमिनल जीडीपी का, ये अनुपात हमें बताता है कि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है, इसके बजाय कीमतें जो हैं प्राइसेस उनमें वृद्धि हुई है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट को हम किस किस तरीके से पता कर सकते हैं, या फिर किस किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था की जीडीपी का आकलन कर सकते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी है। पहला तरीका हो गया उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि। इस उत्पादन विधि में हम प्रत्येक चरण में जो मूल्य वर्धन हुआ है उसको जोड़ते हैं। आप ऐसे मान के चलो कि आपकी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उस इकोनॉमी में यानी भारत के ज्योग्राफिकल एरिया में, भौगोलिक क्षेत्र में जो भी गुड्स और जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी जितना भी उत्पादन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, यानी वस्तु और सेवा का, किसका, वस्तुओं का और सेवाओं का, जो भी उत्पादन हुआ है उस उत्पादन को बाजार भाव से, मार्केट प्राइस से गुणा कर दो, तो कुल जो कीमत निकल के आएगी उससे हम ये पता कर सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी यानी हमारी जीडीपी कितनी है। दूसरा है इनकम मेथड। इनकम का मतलब होता है आय विधि, इनकम मेथड। इसमें क्या है, इस विधि में जो उत्पादन है उसके सभी कारकों द्वारा जो अर्जित कुल आय है उस आय का मापन किया जाता है।
जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, उसके माध्यम से भी हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड, कि जितने भी लोग हैं भारत के वो कितना खर्च कर रहे हैं सालाना, उससे भी हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी है, हमारी कितनी इकोनॉमी बड़ी है। कैसे? कि अगर आप कमाओगे ज़्यादा और खर्च ज़्यादा करोगे, तो खर्च करने से भी और कमाने से भी, इनकम से भी और एक्सपेंडिचर दोनों से ये पता लगाया जा सकता है कि कैलकुलेट करने के बाद इकोनॉमी कितनी बड़ी है। तो ये तीन तरीके हमारे हुए। पहला तरीका हुआ हमारा ये वाला, जिसको हम उत्पादन विधि बोलते हैं, दूसरा आय विधि, तीसरा व्यय विधि। तीन विधियों से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अब 2014-15 में जीडीपी की गणना में कुछ बदलाव किए गए। कुछ बदलाव कब किए गए? 2014-15 में जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ चेंजेस किए गए। जैसे 2015 में सेंट्रल, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला की शुरुआत की। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन से डिपार्टमेंट ने? नाम है CSO, है ना। जीडीपी का जो आधार वर्ष पहले 2005 था, उसको चेंज करके इन्होंने बेस ईयर या आधार वर्ष 2011-12 कर दिया, ताकि और बेहतर तरीके से रियल टाइम में हम इसको कैलकुलेट कर सकें, जीडीपी को कुछ वास्तविक आंकड़े जोड़े जा सकें या संशोधित किए जा सकें। क्यों? क्योंकि 2005 तो बहुत पुराना एक वर्ष हो गया, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो बेस ईयर होता है, इस बेस ईयर को कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला ये होता है कि ये इट शुड नॉट बी वेरी ओल्ड अ ईयर, ये एक बहुत पुराना वर्ष नहीं होना चाहिए आधार वर्ष। दूसरा, ना ही ये कोई रीसेंट ईयर होना चाहिए, जैसे 2 से 3 वर्ष पुराना आपने कोई वर्ष डिसाइड कर दिया बेस ईयर, जैसे आज 2024 चल रहा है, 2022, 2021, 2023 कर दो, ये भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है कि कोई भी इकोनॉमिक सरप्राइजेज इसमें नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आर्थिक रूप से कोई हमें सरप्राइज ना देखने को मिला हो उस वर्ष में, कि सूखा पड़ गया हो, या फिर बाढ़ आ गई हो, या इकोनॉमी धड़ाम से गिर गई हो, या एकदम से सर्ज आया हो, डिप्रेशन हुआ हो, ऐसी कोई सरप्राइजेज उस साल में न देखे गए हो। इसलिए संशोधन करके CSO ने 2004-05 की जगह बेस ईयर या आधार वर्ष 2011-12 कर दिया। अब बढ़ते आगे, अर्थव्यवस्था में जो भी संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे थे उनको ध्यान में रखने और अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को दर्शाने के लिए इस आधार वर्ष को समय समय पर चेंज किया जाता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नई श्रृंखला में क्या हुआ है कि जो राष्ट्रीय लेखा प्रणाली है 2008 की, उसकी नवीनतम सिफारिशों तथा राष्ट्रीय खातों के संकलन पर अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों को शामिल कर दिया गया है। यानी अब जो ग्लोबल इंस्ट्रक्शंस हैं, वैश्विक रूप से जो इंस्ट्रक्शंस और जो नियम हैं, उन दिशा निर्देशों को भी अब शामिल कर लिया गया है, जिससे कि हम कंपीट कर सकें और हम अपने आंकड़ों को इंटरनेशनल लेवल पर प्रॉपरली रिप्रेजेंट करा सकें। विकास को मापने के लिए जीडीपी एक अच्छा संकेत नहीं है, जीएनपी एक अच्छा संकेत है। ये हम बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? बेसिक इकोनॉमिक्स में। हम क्या पढ़ते हैं कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये ज़्यादा बेहतर है जीडीपी से। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तुलना में जीएनपी एक बेटर तरीका है हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को नापने का। वैसे क्या फ़र्क होता है इसमें? जीडीपी है आपकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका बाजार भाव से गुणा। इसमें विदेशी कंपनियां, विदेशी फैक्ट्रियां भी शामिल होंगी जो भारत में, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन कर रही हैं। जीएनपी में क्या है? सिर्फ भारतीय और भारतीय कंपनियाँ जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री में प्रोड्यूस कर रही हैं, वो प्लस वो भारतीय जो भारत के बाहर अलग अलग देशों में अपना उत्पादन कर रहे हैं वो भी शामिल होंगे, उनके भी गुड्स और सर्विसेज शामिल होंगे। तो जीएनपी कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, जीडीपी को कैलकुलेट करना आसान होता है, इसलिए हम जीडीपी को फेवर करते हैं। वरना जीएनपी एक बेटर तरीका है, बेटर टूल है अपनी अर्थव्यवस्था को आकलन करने का, कैलकुलेट करने का। विकास को मापने के लिए जीडीपी एक अच्छा संकेत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस गणना में आर्थिक अपराध, प्रदूषण,
असमानता और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे बाह्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ये सभी फैक्टर्स इसमें शामिल नहीं होते हैं। दूसरा, शांति, पर्यावरण संरक्षण, पारिवारिक जुड़ाव सहित कई प्रमुख जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, उनकी गणना जीडीपी के जरिए हो ही नहीं पाती, वो सब बिना कैलकुलेट किए रह जाते हैं, इनकी गणना फिर अलग तरीके से होती है। सामाजिक नुकसान से होने वाले आय की भी गणना, जैसे किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रैक की मरम्मत हुई, अब वो ट्रैक की मरम्मत में जो पैसा खर्च हुआ वो कहाँ देखा जाएगा, वो कहाँ कैलकुलेट होगा, तो इन सब की गणना नहीं हो पाती है। लोगों के जीवन के सामाजिक पहलुओं या प्राकृतिक पूंजी का लेखा जोखा शामिल नहीं होता है, जैसे स्वास्थ्य में कितना खर्च हुआ, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, ये सभी फैक्टर्स, ये सभी कारक अनछुए रह जाते हैं। इन पर जो है इनको हम इन कैलकुलेट करते हुए जीडीपी को, इन सभी फैक्टर्स को हम शामिल नहीं कर पाते हैं। अब दूसरा जो न्यूज़ चर्चा में रही, इस न्यूज़ में राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का जिक्र किया गया है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको MPI भी बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ये खबर चर्चा में क्यों रही, नीति आयोग ने 2005-06 में भारत में बहुआयामी गरीबी के नाम से एक डिस्कशन पेपर जारी किया था। बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए इसमें राष्ट्रीय MPI का उपयोग किया गया। नेशनल लेवल पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उस सूचकांक को शामिल किया गया। डिस्कशन पेपर जो जारी किया था किसने किया था, नीति आयोग ने, नीति आयोग ने। अब इस डिस्कशन पेपर पर, चर्चा पत्र पर जो प्रमुख बिंदु थे वो कौन कौन से, पहला बिंदु ये था पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में भारी गिरावट देखी गई, कि जो लोग गरीब हैं उनकी जब गिनती की गई, हेड काउंट का मतलब है लोगों की गिनती की, नंबर ऑफ पीपल्स वर काउंटेड, 1, 2, 3, 4 हेड को है काउंट किया गया, उसको हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। तो पाया ये गया कि गरीब लोगों की जो ओवरऑल संख्या है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली। 2013-14 में ये जो हेड काउंट रेशियो है, जो गरीबों की संख्या है, 29.17% थी, अब ये घट गई 2022-23 में मात्र 11.28% रह गई, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, मतलब बहुत सारे लोग अब गरीब नहीं रहे। गरीबी की गहनता में भी कमी आई है, यानी जो लोग ज़्यादा गरीब थे उनकी गरीबी की जो गहनता है उस गहनता में भी कमी आई है, मतलब एक तो नंबर ऑफ पीपल जो गरीब हैं उनकी संख्या भी घटी है, कितने ज़्यादा गरीब हैं ये संख्या भी घटी है। गरीबी के सकल अनुपात में भी गिरावट का स्तर देखा गया है, जैसे 2005-06 में हम देखें और 2015-16 से तुलना करें, तो 2005-06 से लेकर 2015-16 तक और 2015-16 से 2019-20 के बीच ये तीव्रता रही है। कौन कौन से राज्य, पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, इन राज्यों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI सूचकांक में तेजी से गिरावट देखी गई। कौन कौन से राज्यों में, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। बढ़ते आगे, 12 बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी 12 टोटल MPI के क्या होते हैं, संकेतक होते हैं, उन संकेतकों के सुधार के महत्वपूर्ण संकेत देखे गए, यानी उन सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है सभी 12 के 12 सूचकांकों में। अभाव का सबसे अधिक स्तर खाना पकाने के ईंधन और आवास संबंधी संकेतकों में शामिल किया गया, जबकि अभाव का सबसे कम स्तर बाल एवं किशोर मृत्यु दर, बिजली और बैंक खातों के संकेतकों में देखा गया। राइट, अब ये माना गया कि भारत जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.2 यानी सतत विकास लक्ष्य 1.2 को 2030 से पहले ही हासिल कर लेगा। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य 1.2 है, 1.2 है, इसमें बहुआयामी गरीबी को आधे से कम करने का उल्लेख था, जो कि भारत बड़ी आसानी से कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसमें सुधार देखे गए हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इस सूचकांक में गिरावट देखी गई है और संख्या
और इंटेंसिटी दोनों ही तीव्रता और जो संख्या है गरीब लोगों की वो कम हुई है। एमपीआई के बारे में जरा जानते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 4 के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2021 को जारी किया गया, राइट। दूसरा, सरकार की एक पहल है गिर्ग पहल, इसके तहत नीति आयोग MPI हेतु एक नोडल एजेंसी है। अब ये क्या है गिर्ग पहल, इसको जरा देखते हैं और उसके बाद AF विधि क्या है उसको भी देखते हैं। अब ये गिर्ग पहल जो नया टर्म आपके लिए आया उसको देखने से पहले कुछ चीज, जैसे ये जो पहल है गिर्ग पहल, ये कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी करती है कि भारत कैसा परफॉर्म कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय MPI की गणना के लिए AF पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इस AF पद्धति के इस्तेमाल के फायदे ये हैं कि दोहरे हेड काउंट पद्धति के आधार पर लोगों को निर्धन या गैर निर्धन रूप के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। अब क्या है AF विधि जरा देखते हैं। AF विधि ये एक नाम है जिस नाम पर आधारित विधि है, एल्किरे फोस्टर विधि, इसे AF विधि भी बोलते हैं। इससे गरीबी का प्रसार संख्या में और गहनता में इंटेंसिटी दोनों में देखा जाता है। जैसे हमने अभी देखा कि इस रिपोर्ट में भारत में इंटेंसिटी भी कम हुई है और हेड काउंट रेशियो भी कम हुआ है, यानी जो लोगों की संख्या थी गरीबी की वो भी कम हुई है और उसके साथ साथ जो है इंटेंसिटी तीव्रता भी घटी है। तो ये कैसे पता लगता है हमें, अल्किरे फोस्टर विधि से। ये जो विधि है ये गरीब के विभिन्न संकेतकों में एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उस समय अनुभव की जाने वाली अभावों और ओवरलैपिंग वाले अभावों की संख्या की गणना करती है कि कितना अभाव है संसाधनों का, उस अभाव के आधार पर ही उसकी गरीबी का मूल्यांकन होता है। तो ये AF विधि से किया जाता है। AF विधि के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का अभाव और वंचन स्कोर यानी डेप्रिवेशन स्कोर भारत के राष्ट्रीय MPI निर्धनता कट ऑफ के बराबर हो या उससे अधिक हो तो उसे MPI निर्धन माना जाता है। यानी 33.33% जो राष्ट्रीय MPI निर्धनता कट ऑफ है, अगर इस कट ऑफ से ये स्कोर जो है बराबर हो या ज़्यादा हो, जरा देखते हैं। जो अभाव या वंचन स्कोर है अगर ये स्कोर ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, MPI कट ऑफ के, किसके MPI कट ऑफ के, और ये कट ऑफ किसकी, ये कट ऑफ है निर्धनता की, किसकी निर्धनता की, निर्धनता। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में AF पद्धति के अनुसार उस व्यक्ति को MPI निर्धन माना जाएगा। जब उसका अभाव स्कोर राष्ट्रीय लेवल के MPI कट ऑफ से ज़्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा। अब राष्ट्रीय MPI के उपसूचकांक क्या है, जरा इस पर एक नज़र डालते हैं। उपसूचकांक हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या हुआ कि कितने लोग निर्धन हैं, संख्या कितनी है, है ना। और इसके बाद जो तीव्रता की हमने बात करी थी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब है कि इतने लोग गरीब हैं, यहाँ तक तो ठीक है पर कितने ज़्यादा गरीब हैं भाई, इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है, कम अभाव है, ज़्यादा अभाव है, कितने गरीब हैं, तो उस निर्धनता की व्यापकता या तीव्रता को देखना इंटेंसिटी कहलाता है, तीव्रता कहलाता है कि निर्धनता का स्तर क्या है, लेवल क्या है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, उसका आकलन बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले अभावों के औसत अनुपात से किया जाता है कि टोटल जो गरीब हैं उन गरीबों में क्या अभाव रहा है, उस अभाव का औसत क्या है, उस औसत अनुपात से ये पता किया जाता है। अगर व्यापकता तीव्रता की बात करें तो इसकी गणना कैसे होती है, सभी निर्धन लोगों की अभावग्रस्तता से भारत स्कोर, यानी जितने निर्धन लोग हैं उनकी अभावग्रस्तता का स्कोर क्या है उसको जोड़ दिया जाता है और उसे निर्धन लोगों की कुल संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा वेटेड डेप्रिवेशन स्कोर या फिर व्यापकता तीव्रता गरीबी की, कितने बड़े लेवल पे कितनी तीव्रता है गरीबी की, गरीबी किस लेवल की गरीबी।
भारत के राष्ट्रीय एमपीआई के संकेतक, तो राष्ट्रीय लेवल के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, संकेतक क्या है। टोटल 10 मूल संकेतक होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। इनमें दो संकेतक यानी मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता अभी जोड़े गए हैं। मातृ स्वास्थ्य मतलब मैटरनिटी हेल्थ, माता का स्वास्थ्य, माता की हेल्थ और बैंक खाता, ये दो फैक्टर संकेतक अभी जोड़े गए हैं। जरा इन सभी संकेतकों को एक फटाफट से नजर डाल के देख लेते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये अवश्य बताएं कि हम वीडियोस लंबी कर सकते हैं या फिर शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से ही आप कवर करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप मुझे अलाउ करते हो कि हम 2.5 से 3 घंटे की एक वीडियो बना सके तो शायद ज़्यादा पहलू हमारा करंट अफेयर का कवर हो जाएगा। हम बाकी फैक्टर्स देखते हैं। पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में टोटल 12 संकेतक हैं, है ना। टोटल 12 संकेतकों में हम एक एक करके इन संकेतकों को देखते हैं। पहला हमारा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में पोषण है, बाल और किशोर मृत्यु दर है यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, और है मातृ स्वास्थ्य, माता का जो स्वास्थ्य है उसको। तो ये 3 फैक्टर हमारे कवर हो जाएंगे स्वास्थ्य में। कौन कौन से? पहला पोषण, दूसरा चाइल्ड या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे जो है किशोर या बाल अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है, और तीसरा है मातृ स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य। अब एक जरा नजर डालते हैं एक एक करके। पोषण, घर का एक भी सदस्य अगर कुपोषित हुआ तो ये भी आ जाएगा फैक्टर में। परिवार में कोई भी 15 से 49 वर्ष के बीच की महिला या 15 से 49 वर्ष के बीच का कोई पुरुष का बॉडी मास इंडेक्स अगर 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर से कम हो, 0.0 से लेकर 59 माह के बीच का कोई भी बच्चा अगर कुपोषित होगा तो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर में बच्चे की, कि 5 साल से पहले की अवधि में परिवार में 18 साल से कम की किसी बच्चे या किशोर की मृत्यु हुई हो, इसको कैलकुलेट किया जाएगा। मातृ स्वास्थ्य में सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में अगर कोई महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया हो उसने कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त न की हो, इन सभी फैक्टर्स को शामिल किया जाएगा, इनको संज्ञान में लिया जाएगा। अब दूसरा तरीका, दूसरा है फैक्टर शिक्षा का। शिक्षा में हमारी 2 चीज़ें शामिल हो जाती हैं, कि पहली चीज़ स्कूली शिक्षा के वर्ष कितने हैं, कितने वर्ष तक बच्चा स्कूल गया है, और स्कूल में टोटल अटेंडेंस कितनी है, कितने दिन स्कूल गया है, कितने दिन स्कूल गया है, अटेंडेंस कितनी है। दूसरा कितने वर्ष कितने साल तक वो स्कूल में पढ़ने गया है। तो परिवार का 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी न कर पाया हो, दूसरा स्कूल जाने योग्य एक भी बच्चा उस उम्र तक स्कूल नहीं जा पाया जब तक उसे कक्षा 8 में होना चाहिए, दोनों फैक्टर्स काम आएंगे। तीसरा है जीवन स्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुकिंग फ्यूल, परिवार जो है गोबर या कृषिगत फसलों, झाड़ियों, लकड़ी, चारकोल या कोयले से भोजन पकाता है, ये भी संज्ञान में लिया जाएगा। दूसरा परिवार के पास साधारण या कोई भी सैनिटेशन सुविधा नहीं हो साफ सफाई की, उसके पास बेहतर सुविधा तो है लेकिन वह परिवारों के साथ साझा करता है कि नहीं करता है, ये भी देखा जाएगा। पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, परिवार के पास पेयजल की बेहतर सुविधा नहीं है या पेयजल की अच्छी सुविधा घर से कम 30 मिनट की दूरी पर है, कि 30 मिनट आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है पीने का पानी लाने के लिए। बिजली, घर में बिजली की सुविधा नहीं है। आवास, परिवार के पास उपयुक्त आवास है ही नहीं, रहने का घर ही नहीं है, या अर्थात फर्श प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई गई या छत दीवारें मिट्टी या लकड़ी की बनाई गई हैं, अगर घर है भी है तो वो कच्चा घर है या पक्का घर, इस चीज़ को भी संज्ञान में लिया जाएगा। परिसंपत्ति, प्रॉपर्टी, अब इस पर एक नज़र डालते हैं, कि परिवार के पास निम्नलिखित में से एक से अधिक संपत्ति में नहीं है, क्या नहीं है? रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, कार, ट्रक, इन सभी का इस्तेमाल वो परिवार कर पाता है कि नहीं, इससे जो गरीबी है उसको मूल्यांकन में लिया जाएगा कि भाई ये कितनी तीव्रता है गरीबी की। अब आते हैं बैंक खाते के पास, कि परिवार में किसी भी सदस्य के पास बैंक खाता या डाकघर खाता नहीं है, यानी इन सभी चीज़ों से हम देखेंगे कि गरीबी कितनी है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, है ना, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर यानी
कौन कितना शिक्षित है, किस रेट पे साक्षरता है, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल तक आदमी जीवित रहेगा, इन तीनों फैक्टर्स को एमपीआई संकेतक के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जो हमारे तीन फैक्टर्स हैं कौन कौन से, पहला पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, दूसरा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, और तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल तक व्यक्ति जो है वो जीवित रहेगा, उसका लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर क्या है, और पर कैपिटा जो इनकम है, प्रति व्यक्ति जो उसकी आय है, ये तीनों चीजें जो है, तीनों फैक्टर्स जो हैं वो एमपीआई संकेतक के रूप में शामिल नहीं किए जाते। बस ये चीज और आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ग्लोबल एमपीआई 2023। जरा इस पर एक नजर और डाल देते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ग्लोबल एमपीआई 2023, 2010 से इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल, इसके द्वारा जारी किया जाता है। किसको? बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक लेवल पे उसको। एमपीआई जो है वस्तुतः 110 देशों में 10 संकेतकों के आधार पर जो अभाव है, डेप्रिवेशंस है, उसको ट्रैक करता है। अलग अलग 10 जो संकेतक हैं उनके आधार पर ग्लोबल एमपीआई 2023 के कुछ मुख्य बिंदु, जैसे 110 देशों में 6.6 अरब आबादी में से लगभग 1.1 बिलियन लोग इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की श्रेणी में शामिल हैं। यानी टोटल 110 देश और 6.6 अरब आबादी में से 1.1 बिलियन लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी निर्धनता की श्रेणी में शामिल है। ये बहुत बड़े नंबर, बहुत बड़ा संख्या हो। कुल निर्धनता लोगों में से लगभग 2/3 करोड़ लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। यानी टोटल जो गरीब लोग हैं उनमें से लगभग 2/3, 73 करोड़ लोग जो हैं वो मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, और कम आय वाले लोग, यानी कम आय वाले देशों में एमपीआई का लेवल 10% हिस्सा रहता है। एक बार वापस से, कुल निर्धन लोगों में से लगभग 2/3, यानी 73 करोड़ लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, और कम आय वाले देशों में एमपीआई का लेवल 10% हिस्सा रहता है। ये चीज हमें प्रिलिम्स के लिए थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अगला हमारा इंफॉर्मेशन है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और क्यों जरूरी होता है? आपको पता होगा ये चीज कि जो खाता धारक है, जो बेनिफिशियरी है, सीधे उसके खाते में सरकार पैसा ट्रांसफर करती है। इससे क्या होता है? इससे जो पिलफरेजेस होते हैं, जो लीकेजेस होते थे पहले, वो अब कम हो गए हैं या फिर नहीं होते हैं। जो खाता धारक है, जो वास्तविक में बेनिफिशियरी, जिसको पैसा मिलना चाहिए, जिसको सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसको सीधे सरकार के द्वारा उसके खाते में पैसे डलवाना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कहलाता है। ये क्यों चर्चा में रहा है, जरा इसको देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाया, और 2014 से 2023 तक जो करदाता हैं उनके 2.73 करोड़ रुपए बचाए हैं। जी हाँ, सरकार ने इस प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को चालू करके करदाताओं के, टैक्स पेयर्स के लगभग 2.73 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। अब ये कैसे हुआ है? सरकार ने सीधे खाता धारकों के खाते में पैसे डाले हैं, इससे जो लीकेजेस और पिलफरेजेस होते थे, जो पैसा कहीं और चला जाता था, वो होना बंद हो गया है। तो इस योजना से सरकार द्वारा जो लाभार्थी हैं उनको आवंटित धन के वितरण में पारदर्शिता दिखाई है और हेर फेर की गुंजाइश को लगभग समाप्त कर दिया है। डीबीटी के तहत योजनाओं का दायरा, नगद अंतरण जैसे पहल स्कीम, मनरेगा और एनएसएपी, इसके तहत जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लोग हैं, खाता धारक हैं, उनके अकाउंट में सीधे सरकार पैसे भेजती है। इन काइंड ट्रांसफर, इसमें वस्तुओं के रूप में अंतरण होता है, यानी पैसा कैश के रूप में सरकार नहीं देती, काइंड के रूप में देती है, अनाज के रूप में। सरकार द्वारा मध्यवर्ती एजेंसियों की सहायता से व्यक्ति को दिया जाने वाला एक प्रकार का अंतरण है, अनाज है, जैसे सार्वजनिक
वितरण प्रणाली पीडीएस के थ्रू सरकार जो जो चीज़ें देना चाहती है। तो पहला हुआ कि सरकार नगदी देती है, पैसा कैश में देती है, दूसरा काइंड में देती है अनाज के रूप में, तीसरा अन्य वितरण अन्य अंतरण, जैसे सरकार अलग अलग गैर सरकारी कार्यकर्ताओं को अंतरण करना शामिल करती है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, गैर सरकारी कार्यक्रम अंतिम छोर तक अलग अलग सरकारी योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाने में मदद करते हैं, जैसे NHM के तहत आशा कार्यकर्ता है, ICDS के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। तो आशा जो बहनें हैं, एक्रेडिटेड सेल्फ हेल्प जो आशा आपने सुना होगा, आशा नर्स और ICDS के तहत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इनके तहत भी सरकार जो है वो मदद बेनिफिशरीज तक पहुंचाती है। तो ये तीन तरीके हुए सरकार के डायरेक्ट या प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के, पहला हुआ नगद अंतरण, दूसरा हुआ इन काइंड अंतरण और तीसरा हुआ अन्य अंतरण। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि इस चर्चा में और क्या महत्वपूर्ण है जिसको हम देख सकते हैं। शुरुआत में अगर देखें तो जब ये स्कीम लागू करनी सरकार ने शुरू की थी तो 2013 में चुनिंदा जिलों में इसको शुरू किया गया था, बाद में 2014 में पूरे देश में इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू कर दिया गया था। इसकी नोडल एजेंसी जो है उसको रखा गया था लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली, इसको तो DBT मिशन और उससे संबंधित मामलों को मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव के अधीन रखा गया था। ये किसके अधीन होंगे, सचिव के। लोगों को जो धन का भुगतान करेगा वो कौन करेगा, PFMS लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली। आधार की अनिवार्यता क्या है कि भैया जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है इनकी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका ये एक इंटरप्रिटेशन दिया था कि आधार कंपलसरी नहीं है, आधार कंपलसरी नहीं है सरकार की योजनाओं को, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली योजना है, इस योजना को इसका लाभ उठाने के लिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो सरकार आपसे अनाज नहीं छीन सकती, आपको अनाज फिर भी मिलेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट के इन वर्डिक्ट्स को हम शामिल कर सकते हैं। DBT को सक्षम बनाने वाले घटक कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे जिनकी वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ये सफल रही है। पहला तो है JAM, JAM बहुत पॉपुलर टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। जनधन, आधार कार्ड और मोबाइल, इन तीनों को सरकार ने जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। जनधन अकाउंट आपका, आधार कार्ड और तीसरा हुआ मोबाइल, इसको JAM ट्रिनिटी भी बोलते हैं। इस JAM त्रय की सहायता से लाभ अंतरण में जो रिसाव की समस्या थी वो समाप्त हो गई है, अब कोई लीकेजेस कोई प्लिफरेजेस नहीं होता, क्योंकि आपका आधार कार्ड भी जुड़ा होता है, आधार नंबर भी जुड़ा होता है, आपका जनधन अकाउंट भी उसमें जुड़ा होता है और तीसरा आपका मोबाइल नंबर भी उसी में जुड़ा होता है, तो आपका पैसा किसी और के खाते में जाए ऐसी संभावनाएं निल हो गई हैं। जो टारगेटेड लोग हैं, जो लक्षित लोग हैं, उन तक इस योजना का लाभ पहुंचता है। इसे नगदी रहित और समयबद्ध ढंग से लाभ का हस्तांतरण संभव हो पाता है। तो ये हमारी कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगली खबरें थी। इसके बाद आगे वाले सेशंस को हम आपके ओपिनियंस के हिसाब से ही आगे बढ़ाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बात का जिक्र करें कि क्लासेस हम बड़ी रख सकते हैं क्या, या फिर छोटे छोटे सेशंस के माध्यम से ही इसको कंप्लीट करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा ताकि आपकी सेवा में हम कुछ और चीज़ों को थोड़े आसान तरीके से या फिर आपकी मर्जी के अनुसार हम उसको पेश कर सकें। छोटे सेशंस हों और ज़्यादा सेशंस हों, या फिर बड़े सेशंस हों और थोड़े कम सेशंस हों, आप कैसे पसंद करेंगे, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू लर्निंग।